नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। प्रेम प्रसंग के चक्कर में डूबे एक युवक को प्रेमिका की शादी बर्दाश्त नहीं हुई और इसे रोकने के लिए पहले तो वीडियो वायरल कर आत्महत्या की चेतावनी दी। इसके बाद भी शादी नहीं रुकी तो बारात के पहुंचने की जानकारी लगते ही कट्टा लेकर वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंच गया, जहां युवक के रिश्ते का भाई रोकने का प्रयास किया तो उसे पैर में गोली मार दी। दरअसल मामला रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम झांझर नहर के पुल का बताया जाता है कि विश्वनाथ तिवारी निवासी खैरा घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस सूत्रों की माने तो गोली मारने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि बिमलेश मिश्रा निवासी नवागांव है, जो घायल के रिश्तेदारी में आता है। सूत्रों की माने तो विश्वनाथ तिवारी आरोपी और लड़की वाले दोनों के रिश्ते में आता है, जो युवक को वैवाहिक कार्यक्रम में जाने से रोक रहा था। दोनों की मुलाकात झांझर नहर पुल के ऊपर हो गई, जहां विश्वनाथ तिवारी ने रोका तो पैर में गोली मार दी। घायल की शिकायत पर रायपुर करचुलियान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।